पूरी की पूरी बीजेपी खड़ी थी जब कांग्रेस पार्टी के सांसद ओबीसी बिल पे बोल रहे थे। मंत्री जी आग बबूला होके ऐसे बोल रहे हैं और इनके पीछे पूरी की पूरी बीजेपी खड़ी होके। इंडस्ट्री जैसा पंजाब जो चली गई दुखी होके पुरानियां सरकारां दे वतीरियां तो जां उन्हां दी बेरुखियां करके इत्थे आए ही नहीं। एक दो बारी आए तंग परेशान होके वापस चले गए। उन्हां नूं वापस लेके आवांगे ये वादा भी असीं कीता सी। मैं खुद चेन्नई उन्हां दे जिहड़े उत्थे जिहड़े चेन्नई बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट ने वड्डे वड्डे उन्हां नूं मिल के आया। बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, जर्मनी, दिल्ली, तुसीं आओ, वेलकम है। धरती साडी वफादार है। जिहड़ा भी इत्थे काम करन लई आउंदा गुरुआं पीरां शहीदां दा आशीर्वाद है, ओह घाटे च नहीं जांदा। बड़ी अच्छी गल है कि पहली बार कोई सीएम ने इदां उपराला चुक्या है ते सारे अफसर साहिबान ते एमएलए साहिबान भी इत्थे सीगे इंडस्ट्री दा पक्ष सुनण दे लई। सारिआं नूं पता है इंडस्ट्री तों रेवेन्यू जनरेशन आनी है ते उन्हूं एक वाधा देना एक बहुत जरूरी काम है। पर इस बार मान साहब का जिहड़ा उपराला सी ओह होर सी। ओह कहिंदे मैं तुहानूं सद्दा नहीं देना है, तुसीं वी होस्ट हो। जदों असीं कोई इन्वेस्टर समिट करते हैं एज अ स्टेट, सारे जिहड़े वपारी है ओह होस्ट की तरह काम करन ते जिहड़े बाहरों कोई वपारी साडे कोल आ रहे हैं ते असीं उन्हां नूं एक निघा सद्दा देईए ताकि इत्थे इंडस्ट्री होर वधे फुले, जिहड़े इत्थे दे इंडस्ट्रियलिस्ट है ओह वी वधन फुलन ते बाहरों होर इंडस्ट्री आ जाए। वाइस चेयरमैन जो बैठी है चेयर के ऊपर जो आदिवासी समाज से हैं, वो बार बार रोक रही है बीजेपी के लोगों को, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। उनकी बात नहीं सुने, उनको अपमानित किया। ये जेल, लाठी, मुकदमा, ये डर किसी और को दिखाना और अपने आकाओं को भी बता देना, कोई हम लोग जेल, लाठी, मुकदमा से डरने वाले नहीं है। पीयूष गोयल जो मंत्री हैं, उनकी गलत बयानी देखिए आप। और यू वांट टू कंट्रडिक्ट इट, यू कैन डू इट एट योर टर्म। यस मिस्टर पीयूष गोयल, व्हाट डू यू से? आई जस्ट सेड सर, आई जस्ट सॉ ऑन माय ट्विटर हैंडल अ ट्वीट बाय ऑनरेबल मेंबर श्री संजय सिंह जी इन व्हिच ही इज मेकिंग एन एलिगेशन दैट बीजेपी इज अगेंस्ट अमंगस्ट अदर्स आदिवासीज। इट इज दे हु मेड द रखस इन द हाउस। It is them who insulted a lady who was sitting in the chair, who comes from the Adivasi, comes from the Adivasi. ये मंत्री, एक मिनट, ये मंत्री जी का, इनकी गलत बयानी आपने देख ली। ये कह रहे हैं कि विपक्ष के लोगों ने रकस क्रिएट किया, जबकि आपके सामने मैंने वीडियो दिखाया, पूरी की पूरी बीजेपी खड़ी थी जब कांग्रेस पार्टी के सांसद ओबीसी बिल पे बोल रहे थे। और मैंने इसको लेकर ट्वीट किया कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सदन में चर्चा हो रही थी। मैं अपना ट्वीट भी पढ़ देता हूं कि मैंने ट्वीट क्या किया था, और उसमें बीजेपी के सांसदों ने चर्चा होने नहीं दिया, चर्चा को रोकने का काम किया। और इस ट्वीट पे मंत्री जी आग बबूला होके ऐसे बोल रहे हैं और इनके पीछे पूरी की पूरी बीजेपी खड़ी होके। फिर मेरे साथ उन्होंने जो किया मैं आपको बता रहा हूं। राज्यसभा में मोदी सरकार का पिछड़ा वर्ग विरोधी चरित्र सामने आया। सपा सांसद जावेद अली खान के पिछड़ों की संख्या के आधार पर आरक्षण दिए जाने के प्राइवेट मेंबर बिल पर बीजेपी ने खूब हंगामा किया और सदन स्थगित करा दिया। बीजेपी पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के खिलाफ हमेशा थी, हमेशा रहेगी। ये ट्वीट मैंने किया। और क्यों किया ये भी आपको दिखाया कि नीरज डांगी जो दलित समाज से सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, ओबीसी बिल पे बोल रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया। मैडम वाइस चेयरमैन जो बैठी हैं चेयर के ऊपर जो आदिवासी समाज से हैं, वो बार बार रोक रही है बीजेपी के लोगों को, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। उनकी बात नहीं सुने, उनको अपमानित किया। हाउस एजेंट होना पड़ा एक घंटे के लिए। उसके बाद झूठा एलिगेशन मंत्री मेरे ऊपर लगा रहे हैं कि यह ट्वीट इन्होंने गलत किया। और तब सारी की सारी बीजेपी ऐसे खड़े होकर चिल्लाने लगी, ऐसे टूट पड़ी जैसे अगर चेयरमैन महोदय वहां नहीं होते तो शायद मेरे साथ मारपीट करने के लिए आ जाते वहां सदन के अंदर ही। इनके एक सांसद पीछे से, कई सांसदों चीखने चिल्लाने लगे, फिर एक सांसद कह रहे हैं इनको जेल भेजना है, जेल भेजना है। तो मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, ये जेल, लाठी, मुकदमा, ये डर किसी और को दिखाना और अपने आकाओं को भी बता देना,
कोई हम लोग जेल लाठी मुकदमा से डरने वाले नहीं है। पिछड़ों के हक की जहां बात होगी, दलितों के हक की बात जहां होगी, आदिवासियों के हक की जहां बात होगी, अल्पसंख्यकों के हक की जहां बात होगी, वंचितों के हक की जहां बात होगी, वहां बोलेंगे। एक नहीं, 1000 बार बोलेंगे। यह आम आदमी पार्टी बनी है समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवाज उठाने के लिए। और अगर ये ओबीसी का आरक्षण बिल आया है और भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है तो इस बिल के वो पास करें। क्यों विरोध कर रहे हैं इस बिल का? अगर बीजेपी की नीयत ठीक है, आप हमको जेल में भेजना चाहते हैं भेजिए, फांसी चढ़ाना चाहते हैं चढ़ाइए, लाठी चलाना चाहते हैं चलाइए, लेकिन ये बिल देश के पिछड़े वर्ग के लोगों के हित में है और इस बिल का समर्थन एक नहीं 1000 बार करेंगे। और किसी भी हमारे किसी भी साथी सांसद को, भाजपाइयों को कान खोल कर सुन लेना चाहिए, जब तक मैं सदन के अंदर हूं हमारे किसी भी विपक्षी सांसद को, चाहे वह कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वह समाजवादी पार्टी का हो, सीपीएम का हो, सीपीआई का हो, आरजेडी का हो, शरद पवार जी की पार्टी का हो, या शिवसेना का हो, या टीएमसी का हो, किसी भी पार्टी के सांसद को या डीएमके का हो, रोक टोक करोगे, जबरदस्ती करोगे तो उसके खिलाफ बोलूंगा।